गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? अनुपम खेर सेविल मूवमेंट। यार ये भी पॉलिटिक्स में कब से आ गए? ये मूवीज में आते हैं। हाँ मूवीज में लेते हैं ना। हाँ। ये पॉलिटिक्स में आ गए। I don't know. और किस पार्टी में हो गई ये हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो देखते हैं ये किस पार्टी में हो सकते हैं, इनकी थग लाइफ देखते हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और हाँ मैं भी कर देना। देखते हैं कौन सी पार्टी से होते हैं, किसके साथ होते हैं। Here we go. This video is only for entertainment purpose. देश की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और आपने उसको मोदी जी के साथ आदमी बना रखा है। सर वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर है और चुनकर आए हैं मोदी जी के साथ। आपसे भीख मांग के नहीं बोला कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। सर आपके एमपी ने बोला था किसी दूसरे एमपी को देखकर, श्री दिग्विजय सिंह ने, कि क्या टंच माल है। अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन थे उसके कातिल? सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके कातिल थे क्या? कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये किसने बोला? ये बात थी। इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग इट, यू आर सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग and that the Afzal Guru's judgment was wrong. It's absolutely नहीं, ये बात तो गलत है। इंडिया में रहके बोले, इंडिया तेरे टुकड़े हो गए। No, you can't speak in between, sir. Let me finish. I'm sorry. It's my time. पार्टी आती रहेंगी, पार्टी जाती रहेंगी, लेकिन देश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कुछ सोच के आया था, मैं ये बोलूंगा, आई विल नॉट मेक इट पर्सनल, आई विल नॉट मेक इट एंटी बीजेपी, आई विल नॉट मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल व्हाट ऑल हैज गॉन रॉन्ग बाय दैट। I'm shocked and ashamed and saddened by what you said, Mr. Ganguly. Being a judge, it's so sad that you are calling the verdict of Supreme Court was wrong. It's so sad that you have to say that. It's a matter of complete disgrace that you were hounded by the press and you were intolerant of them when there was a case against you. And today, you talk about that what happened in JNU was right? Very sorry, sir. Okay. Let me ask you one question. We are totally forgetting and we are making a hero out of one guy who was participant in the night of 9th February. Ninth and what were the naras that were going on over there? 9th February. Kya nare ho rahe the wahan par? Bharat ki barbadi. Wahan kya nare ho rahe the? अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन थे उसके कातिल? सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके कातिल थे क्या? कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बात इस बात पे फांसी इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग इट, यू आर सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग एंड दैट द अफजल गुरुज जजमेंट वाज रॉन्ग। इट्स एब्सोल्युटली अनपार्डनेबल, योर ऑनर। लेट मी नो यू कांट स्पीक इन बिटवीन, सर। लेट मी फिनिश। इंदिरा गांधी योर लीडर सर, दैट वॉज द बिगेस्ट इंटॉलरेंस इन द कंट्री एवर। ऑल दोज पीपल वर जेल्ड हु स्पोक अबाउट अगेंस्ट पीपल हु वर इनोसेंट। People who were journalists, people who were talking about anything, there were whisper campaigns, they were all put behind bars, including my grandfather. What? You are talking about one by one. You totally forgot, unfortunately, you know what I think, who is the most tolerant people in this country is Congress. They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country. Okay. And can't even say to each other that we are wrong. We are so sorry. This is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other. क्या करें? फंस गए? कहाँ फंस गए हम लोग भाई? That is the tolerance that you have shown. But show that tolerance once in parliament. And let the parliament function, sir. मतलब सब बीजेपी के साथ है। That person. काजल भी बीजेपी के साथ है। Then you can tolerate anything in the world. काजल की हंसी यहां तक आई थी। नो दिस इज रिडिकुलस। वी हैव व्हेन आई हैव आप में से किसी ने भी टॉलरेंस वर्ड को पिछले 8 महीनों से पहले सुना था या इनटॉलरेंस को? ओके नहीं सुना था। ये मार्केट किया गया है।
क्योंकि ये हार जो शिकस्त हुई है इतनी बुरी तरह से ऑपोजिशन वालों की, उस शिकस्त का बदला लिया जा रहा है। कैसे लें बदला? प्राइम मिनिस्टर पूरी मेजोरिटी से जीता है, 282 सीटें आई हैं, 282 चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैसे बन गया? हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलामी की आदत है हमें, अंग्रेजों से, मुगलों से, और अब बाहर मोदी जी का दूसरी बार गुलामी की आदत है। ये कैसे बन गया प्राइम मिनिस्टर भाई? 2014 में बने थे। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2 साल से या 2.5 साल से आज तक छुट्टी नहीं ली है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिम, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। People say that you are talking about Mr. Pramodi because your wife is a BJP. I'm married to Kiran for the last 30 years. I don't have BJP to prove my loyalty to her by being talking on behalf of BJP. आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाकर, आपने बर्दाश्त किया 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो चुप रहा? 10 साल आपने कैसे प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त किया सरकार? और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है आज बाहर के मुल्कों में जाकर, जब मैं बाहर कहता हूं क्या बात है, आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत डायनेमिक है, नॉट बिकॉज ही स्पीक्स वेल, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया। ही हैज नॉट टेकन अ सिंगल हॉलीडे एंड हिज दिवाली इज ऑलवेज स्पेंट इन कश्मीर। ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड कश्मीर थ्राइस ऑन अ दिवाली डे। ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। सो लेट्स कॉइन अ वर्ड, लेट्स ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ गेट आवर थिंक टैंक टुगेदर। व्हाट शुड वी डू? वी कांट, बिकॉज भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या? और पिछले 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई, 2G 3G, ये जी वो जी ओ जी, यही बातें होती नहीं? अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही, क्या करें? कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें? वी गॉट द वर्ड, लेट्स से दैट ही इज इनटॉलरेंट। फैलाओ इसको, टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, सो मच सो दैट दादा हैज टू टॉक अबाउट इनटॉलरेंस इन दिस कोलकाता क्लब। दिस इज अ नो डिबेट सर, पीपल आर टॉलरेंट। यू नो हु आर टॉकिंग अबाउट इनटॉलरेंस? द इंटेलेक्चुअल्स, द रिच, द फेमस, हु ट्रेवल विद 20 बॉडीगार्ड्स एंड टॉक अबाउट इनटॉलरेंस। इफ यू आस्क अबाउट अ मैन ऑन द स्ट्रीट, भैया इनटॉलरेंस और क्या इनटॉलरेंस, उससे भी डिफिकल्ट वर्ड है असहिष्णुता। भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, मुझे नहीं बात करनी है इनटॉलरेंट, मैं तो काम करता हूं अपना। तो जो 5-स्टार होटल्स में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम। वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इनटॉलरेंट कंट्री। अरे आप हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, कलकत्ता में बात कर रहे हो या अमेरिका में बात कर रहे हो? We have a presidential candidate in America who says that Muslims should be thrown out of this country. That is frightening. That is intolerance. If you heard the speech of the Prime Minister recently, he said, parties aati rahengi, lekin desh jo hai wo bahut important hai. Desh ki baat karte hain hamare Prime Minister. Aur aapne usko bahar ka aadmi bana rakha hai. Sir, wo aapke bhi Prime Minister hain aur chunkar aaye hain. आपसे भीख मांग के नहीं बोलेंगे मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। उन लोगों ने जो कैंपेन किया था, जिन लोगों ने, और सबसे प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी साहब को वीजा अमेरिका का नहीं मिलना चाहिए, उन सबको असहिष्णुता नजर आ रही है, बिकॉज वो तो बन गए प्राइम मिनिस्टर और उनको वीजा क्या, उनको अमेरिका ने हाथ मार दिया, रेड कार्ड पर वीजा लगा दिया ओबामा साहब को, उसमें भी तकलीफ, मुझ पर भी तकलीफ। तो जो भी उसके फेवर में बोले, लेट अस कॉल हिम, लेट अस मेक हिम इनक्रेडिबल, लेट अस मेक हिम दैट, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दो। अनुपम खेर मार्च निकालते हैं स्वतंत्रता के लिए, हिंदुस्तान के बारे में मार्च निकालते, बोल दो ये तो चमचा है, ये भी बीजेपी। अनुपम खेर को पद्म भूषण मिलता है, बोलता है इसलिए मिलता है क्योंकि चमचा है। बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं, आई नेवर थॉट आई वाज सो इंपॉर्टेंट अ पर्सन, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। सर टू यू सर, आप बोलते हैं आंटी नेशनल, और 46 साल के आदमी को आप यूथ आइकॉन बोलते हैं? नहीं सर, जिस दिन राहुल गांधी साहब, मैं चाह रहा था नाम ना लूं लेकिन नाम लेना, जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के 1/10 भी होंगे, मेरा वोट उनको जाएगा। 5 साल तो दीजिए, काम तो करने दीजिए देश के लिए, 5 साल के बाद निकाल दीजिए बाहर। 5 साल के बाद कही हमको ऐसी इंटॉलरेंट सरकार नहीं चाहिए।
ये मोदी जी का पहला होगा, निकल जाएंगे मतलब 2019 से पहले थे। आप ये क्या बीड़ा उठा रखा अपने सिर पर, हम तो प्रूव करके रखेंगे यहाँ के नेता ने। अरे सर आपके एमपी ने बोला तो था कि को देखकर श्री दिग्विजय सिंह ने कि क्या टंच माल है, इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है। मैं वो प्रिपेयर करके नहीं आया हूं लिस्ट कि आपके लोगों ने क्या क्या बोला है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दम, जिन्होंने बोला उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जूते जूते बोले, जूते बोले लगे अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की। ये सही वर्ड है, कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। मजा आया yes. तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ओपिनियन दिया और ये सबकी मतलब तब के ओपिनियन थे जब पीएम नरेंद्र मोदी पहले सेकंड बार नहीं बने थे, फर्स्ट चल रहे होंगे, मतलब कि सेकंड बार भी बने मतलब उन्होंने अपने फर्स्ट में कुछ अच्छा किया होगा जो सेकंड बार बने, और फर्स्ट में ही वो इतनी सीटों के साथ बने थे, सेकंड में तो और ज्यादा सीटें मिली होंगी, और मतलब के कांग्रेस तब भी हार गया था, अब भी हार गया। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं आप किसके साथ है, कांग्रेस के साथ है या मोदी जी के साथ है, ये कमेंट करके बताना। और ये भी मतलब मोदी जी की पार्टी में ही है, और काजोल भी आगे से काजोल भी वो पॉलिटिक्स में घुस गई यार, मुझे पता नहीं था, आप लोग बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।